चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको तो पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि डायरेक्ट ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है नहीं, अभी पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की सोचेंगे हम लोग। तो जो न्यूमरेटर है आपका वो एक्स स्क्वायर है, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो सकता है, और यहाँ से एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। तो ये क्या लिखा जा सकता है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर डीएक्स, और एक्स क्यूब का ये डेरिवेटिव तो है ही है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया ही है। तो लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, 3x² डीएक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डीटी हो जाएगा। तो x² डीएक्स क्या हो जाएगा, डीटी बाई 3 हो जाएगा। ये प्लेस कर देते हैं, जो भी आपका x² डीएक्स है यहाँ पे डी टी बाई 3 प्लेस कर देते हैं, डी टी बाई 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका टी हो गया, तो 1 अपॉन 1 माइनस t² इस 3 को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आपके पास जो अवेलेबल फॉर्मूले हैं है ना, ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करें। खैर, तो इसको आप x² - a² है ना, तो वेरिएबल पहले होना चाहिए और कांस्टेंट बाद में होना चाहिए, तो एक माइनस कॉमन कर लिया जाए। तो अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो ये प्लस ये माइनस, और इसको कायदे से लिख देते हैं, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो ये लिखा जा सकता है आपका t² - 1। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन x² - a² फॉर्मूला होता है 1/2a, दैट कुड बी रिटन एज ए -1/3 लॉग ऑफ, ठीक, पहले तो 1/2a होता है, 1/2a, a क्या है आपका, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो a 1 है आपका, है ना। तो 1/2a लॉग ऑफ मॉड x - a, लेकिन वहाँ x के लिए था, यहाँ t के लिए है, तो t - a मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x + a मतलब t + a, और a का मतलब क्या है आपका 1, और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट c हो गया, ठीक है। लेकिन ये फाइनल स्टेप आंसर तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ आपका डमी वेरिएबल है, उसको आप रिप्लेस करिए, तो यहाँ भी थोड़ी कैलकुलेशन बाकी है। तो इट कुड बी रिटन एज ए 1/6 लॉग ऑफ t की प्लेस पे हम क्या रख दें, x³, तो दैट इज x³ - 1 अपॉन x³ + 1 और प्लस सी। एक काम और कर सकते हैं ना, ये भी आंसर सही है, यहाँ तक आपका इंटीग्रेट हो गया है, अब इंटीग्रेशन का काम नहीं बचा है, हमारे पास काम बचा है कि हम या तो आंसर मैच करा लें, अगर हमारे एग्जाम में आता तो हम यहाँ तक आंसर छोड़ दें, दैट इज़ ए करेक्ट आंसर। लेकिन इस माइनस साइन को अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाए यहाँ पे -1 को, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंट में जाएगा, और निगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल करिए, तो x³ + 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, x³ - 1 डिनोमेटर में आ जाएगा रेसिप्रोकेट होके, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस, ये रेसिप्रोकेट हो गया, तो निगेटिव एक्सपोनेंट हटा दिया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।